वो महंगी साड़ियां पहनती हैं और चेहरे को खूब सारे मेकअप से सजाती। किसी संभ्रांत महिला की तरह सार्वजनिक जगहों पर चाल में नजाकत भी रखती है। महंगी गाड़ियों से घूमती हुई चेहरे पर चिरपरिचित मुस्कान रखती है। कोई भी एक बार की देखेगा तो लगेगा कितनी बुद्धिजीवी महिला है। वो स्टेज पर जाती है और महिला अधिकारों पर लंबे चौड़े भाषण देती है। महिला उत्पीड़न की पुरजोर मुखालफत करती है। महिलाओं के साथ घरेलू हिंसा करने वाले पुरुषों को जेल की सलाखों के पीछे भेज देने का संकल्प लेती है। छोटी बच्चियों से मिलती है और कहती है, मेरा हृदय खुशी से भर जाता है जब मैं इन प्यारी नौनिहालों से मिलती हूँ। उसके भाषण, उसकी बातें और उसका सोशल मीडिया अकाउंट चीख चीख कर कहता है कि ये महिला महिलाओं की बहुत बड़ी पैरोकार है। बस लोग यही धोखा खा जाते हैं। इस महिला का नाम है सीमा पात्रा। लेकिन जैसे ही आप इसकी परतें खोलेंगे, थोड़ा गहराई में जाकर पड़ताल करेंगे, तो सीमा दरअसल पात्रा नहीं, बहुत बड़ी कुपात्रा है। इसके मेकअप लगे ग्लो वाले चेहरे के पीछे का सच इतना ज्यादा स्याह है कि अमावस की रात भी शर्मिंदा हो जाए। इसने क्रूरता की वो हदें पार की हैं कि अब तक क्रूर होने की जो भी परिभाषाएं लिखी गई हैं वो सब बदलनी पड़ेगी और उसका नाम सीमा पात्रा रखना पड़ेगा। बीजेपी महिला मोर्चा के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की सदस्य रही सीमा पात्रा ने अपनी मेड के साथ वो सब किया जो ISIS के आतंकी अपनी कैदियों के साथ किया करते हैं। सीमा पात्रा ने अपनी मेड पर क्रूरता का वो कहर बरपाया कि बिचारी दिव्यांग हो गई। सीमा पात्रा ने अपनी मेड सुनीता खाखा के साथ आखिर क्या नहीं किया। उसे सालों तक अंधेरे कमरे में बंद रखा, सूरज की रोशनी तक नसीब नहीं होने दी। आजादी मांगी तो लोहे के रॉड से उसकी पिटाई की, रहम की भीख मांगी तो बेलन से उसके दांत तोड़ दिए, सितम नहीं करने की अपील की तो उसके शरीर के हर हिस्से को लोहे के चिमटे और तवे से दाग दिया, छोटी सी गलती पर भी बेल्ट से पीटा, पीटने से पहले मुंह बंद कर दिया ताकि सुनीता की दर्द भरी चीखें एक छोटे से कमरे की दीवारों से टकराकर सुनीता को ही डराती रहे। सीमा पात्रा ने क्रूरतम रुख अख्तियार करते हुए सुनीता की पीठ तोड़ डाली। हंसती खेलती खिलखिलाती सुनीता को सीमा ने अपनी हैवानियत से दिव्यांग बना दिया, उसे घिसट कर चलने पर मजबूर कर दिया। ऐसी हालत हो गई कि सुनीता अपने कपड़ों में ही यूरिन कर देती। अब मैं जो बताने जा रहा हूँ ये बात आपको विचलित कर सकती है, शायद आप सीमा पात्रा को इंसान भी मानने से इनकार कर दें। जब यूरिन फर्श पर गिर जाता तो सीमा सुनीता को उससे जीभ से साफ करवाती। कभी कभी सुनीता को किचन या डाइनिंग हॉल में ही यूरिन हो जाता, तब सीमा तो पहले सुनीता को बेल्ट और लोहे के रॉड से पीटती और फिर सुनीता को उसे जीभ से चाट कर साफ करने को मजबूर करती। सुनीता का कोई गुनाह नहीं होता था, बस सीमा को अपनी अमीर, ताकतवर और अहंकारी होने का दंभ पूरा करना था। एक महिला मैट के साथ अत्याचार की सारी हदें पार करने वाली सीमा पात्रा जो पद धारण करती हैं, ये जानकर तो आप और भी हैरान रह जाएंगे। दरअसल सीमा पात्रा केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की प्रदेश संयोजक है। बताइए वो कौन सा समझदार आदमी होगा जिसने दूध की रखवाली बिल्ली को सौंप दी। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की प्रदेश संयोजक और ऐसी हरकत, इतनी घिनौनी हरकत, इतना अत्याचार, क्या आप सीमा पात्रा को इंसानों की श्रेणी में रखेंगे? हम और आप टीवी पर प्रसारित होने वाले पौराणिक धारावाहिकों में जिन दानवों और राक्षसों को देखते थे, दरअसल वो झूठ है। यदि दानवों का कोई चेहरा होना चाहिए तो वो सीमा पात्रा का होना चाहिए। हैवान लिखिए, इससे बेहतर है कि सीमा पात्रा की कोई तस्वीर चस्पा कर दीजिए। अब से कोई पूछे कि क्रूर और क्रूरता क्या होती है तो कहिएगा सीमा पात्रा। उसकी क्रूरता की हद देखिए कि जब उसके बेटे आयुष्मान ने उसकी ज्यादती का विरोध किया तो उसे पागलखाने भिजवा दिया। सीमा के पति महेश्वर पात्रा रिटायर्ड IAS अधिकारी हैं और झारखंड में कृषि विभाग के आयुक्त रह चुके हैं। इस हैवान ने राजनीति में अपनी पैठ बनाने की खूब कोशिश की है। पहले कांग्रेस में थी और अब BJP में चुनाव भी लड़ चुकी है। आजकल राजनीतिक दलों और हाई सोसाइटी के तथाकथित संभ्रांत कार्यक्रमों में अपनी हैवानियत को मेकअप तले छिपाकर नजर आती है। महिला अधिकारों पर गोष्ठियों में हिस्सा लेती है, किसी स्कूल में जाकर कहती है कि इन छोटी बच्चियों के बीच होना असल खुशी है। सोचता हूँ आज तक की जिंदगी में एक सेकंड के लिए भी यदि सीमा पात्रा के अंदर थोड़ी सी भी इंसानियत रखी होगी तो क्या उसे अपने दोहरे चरित्र पर शर्म नहीं आती होगी? मेकअप के लिए घंटों आईने के सामने बैठती हैं, क्या किसी भी पल आईने ने नहीं कहा होगा कि मुझे घिन आती है तुम पर, क्या हो तुम और क्या बनी घूमती हो, छी अब तो रुक जाओ। जब से सीमा पात्रा के कारनामों की फहरिस्त पढ़ी है, मुझे मध्ययुगीन अराजक शासकों से लेकर आधुनिक क्रूर तानाशाहों तक सीमा पात्रा से छोटे लगने लगे हैं। चाहे वो अलाउद्दीन खिलजी हो, ईदी अमीन हो, होस्नी मुबारक हो, सद्दाम हुसैन हो या कर्नल मुअम्मर गद्दाफी,
सीमा पात्रा यदि किसी पार्टी के महिला मोर्चा की सदस्य या बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की प्रदेश संयोजक ना होकर किसी देश की शासक होती तो दुनिया के तमाम क्रूर तानाशाहों की सूची में सबसे आगे होती। वैसे सीमा के शौक भी ऐसे ही हैं। कहते हैं कि सीमा को चमक दमक वाली हाई सोसाइटी वाली जिंदगी जीना पसंद है। बहुत सारा मेकअप और नकली बाल सीमा पात्रा के शौक है। बताया जाता है कि सीमा पात्रा कुछ एक फिल्मों में भी काम कर चुकी है। सीमा की क्रूरता की कहानी बताती है कि बहुत सारा चमक दमक दरअसल अंदर से बहुत स्याह है, घिनौना है, इतना काला है कि कोयला भी शर्मा जाए। सीमा पात्रा गिरफ्तार हो चुकी है और सुनीता का इलाज चल रहा है। सुनीता ठीक होकर पढ़ना चाहती है। देखना है कि कानून सीमा को उसके गुनाहों की क्या सजा देता है। विवेकानंद विद्या मंदिर स्कूल एक CBSE एफिलिएटेड इंग्लिश मीडियम कोएड स्कूल है। हम शिक्षा के साथ संस्कार देते हैं। The followup.in like share and subscribe www.thefollowup.in